गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर 6 है इंग्लिश का, क्लास 7 का, दैट इज विनय विन्यास ब्लू अम्ब्रेला विच शी वॉज ऑलमोस्ट लॉस्ट। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कनेक्ट, व्हाट इज़ योर मोस्ट बिलव्ड पोजेशंस, टेल द क्लास अबाउट इट। आपका सबसे पसंदीदा कोई चीज़ कौन सी पसंदीदा आपकी चीज़ है उसको आपको क्लास के बारे में बताना है। रिफ्लेक्ट, बार्टर, बार्टर इज द सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड फॉर द अदर गुड्स। बार्टर पहले के ज़माने में, आजकल भी चलता है, पहले के ज़माने में चलता था कि ज़्यादातर विलेजेस में चलता था कि आप कोई एक चीज़ को दे के दूसरी चीज़ ले लीजिए, जैसे गेहूं को दे के कुछ फल फ्रूट ले लीजिए या कुछ खिलौना ले लीजिए। इस तरह से बार्टर पहले चलता था, गाँवों में ज़्यादा चलता था, आजकल कॉइन्स और ये करेंसी चलती है। बट बार्टर जो है इंडस्ट्री में भी चलता है, एक सामान को देके दूसरे सामान ले लेते हैं लोग विदाउट यूजिंग मनी करके, इसमें बताया गया बार्टर के बारे में। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल टू फुलफिल वंस नीड बाय बार्टरिंग थिंग्स। क्या आप सोचते हो कि ऐसा आप अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हो भाई, एक दूसरे से की चीज़ें चेंज करके, एक्सचेंज करके। शेयर योर थाट्स, इमेजिन योर फेवरेट पोजिशन हैज़ गॉन मिसिंग, जो आपकी पसंदीदा चीज़ थी वो मिस हो गई है। प्रिपेयर ए पोस्टर फॉर इट, मेंशन ए रिवार्ड इन योर पोस्टर। जो आपकी जब कोई चीज़ खो जाती है तो हम क्या करते हैं, जगह जगह पोस्टर लगा देते हैं और उसमें रिवार्ड भी लिख देते हैं कि अगर जो बताएगा, इसका पता बताएगा, उसको रिवार्ड दिया जाएगा। नाउ ये ऑथर के बारे में बताया गया, रस्किन बॉन्ड जो है बहुत फेमस है, इनका बर्थ हुआ था 1934 में। ही इज़ ए इंडियन ऑथर और चिल्ड्रन बुक्स, तो चिल्ड्रन में ये ऑथर जो है बहुत फेमस ऑथर है। ही डिज इज स्कूलिंग फ्रॉम बिशप कॉटन स्कूल इन शिमला। आफ्टर कम्प्लीटिंग हिज हाई स्कूल एजुकेशन ही वेंट टू यूनाइटेड किंगडम फॉर फर्दर स्टडीज। तो वहाँ शिमला में एजुकेशन पूरी करने के बाद हाई स्कूल की, वो यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में गए, यूके में गए। वाइल इन यूके एंड स्टिल ओनली 17 ईयर ओल्ड, जब वो खाली 17 साल के थे यूके में, ही बिगेन टू राइट हिज फर्स्ट नावल द रूम ऑन द रूफ। तो उन्होंने पहला अपना जो नावल था वो 17 साल की उम्र में ही लिखना चालू कर दिया था, विच इज़ पब्लिश्ड इन द ईयर 1956। द नावल वॉन द जॉन लिवले राइस मेमोरियल प्राइज इन 1957। और इस नावल ने एक प्राइज़ भी जीता जिसको हम जॉन लेलविल राइम्स मेमोरियल प्राइज बोलते हैं। बॉन्ड यूज द एडवांस फ्रॉम द नावल टू पे फॉर हिज सी वॉयज बैक टू इंडिया। तो जो उसको एडवांस मिला था उस प्राइज़ में, तो उन्होंने उसको अपनी जो यात्रा थी सी के थ्रू शिप में जो यात्रा थी उसके लिए यूज़ किया। वेर ही सेटल डाउन इन देहरादून, फिर यहाँ इंडिया आने के बाद वो देहरादून में सेटल हो गया। सम ऑफ हिज मोस्ट अक्लेम्ड वर्क इंक्लूड द टाइम स्टॉप एट शामली। कुछ इनके जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े जो राइटिंग्स है तो उसमें इंक्लूड है कि पहला है टाइम स्टॉप एट शामली, और फिर उन्होंने द रस्किन बॉन्ड चिल्ड्रन ओमनी बस, इन्होंने 1995 में लिखी थी ये, एंड उसके बाद क्रेजी टाइम्स विद अंकल कैन 2011 में लिखी, और टाइगर्स फॉर डिनर, टॉल टेल्स बाय जिम कॉर्बेट खानसामा 2013 में लिखी। इन 1992 ही वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज कलेक्शन ऑफ एसे आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा। तो ये देहरादून के ऊपर लिखी गई है, 1991 में लिखी थी, और उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था ये ऐसे के कलेक्शन के ऊपर में। टुडे ही इज़ द मोस्ट फेमस ऑथर इन इंडिया एंड लिव्स इन लांडूर मसूरी। विनय ब्लू अम्ब्रेला इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बॉन्ड नावल द ब्लू अम्ब्रेला, 1980 में जो उन्होंने नावल लिखा था उसी से इसको, इस चैप्टर को एक्सट्रैक्ट किया गया, उसमें से लिया गया है। मोस्ट ऑफ द बॉन्ड्स वर्क इज सेट इन द माउंटेन्स। तो ज़्यादातर इसके बॉन्ड्स जो की जो राइटिंग्स थी, जो उनके रहस्य या स्टोरी जो थी, वो माउंटेन्स के ऊपर में लिखी गई थी। ही इज़ इंस्पायर्ड बाय द ब्यूटी एंड इनोसेंस ऑफ द माउंटेन लाइफ। तो ये वो जो बॉन्ड थे जो इनकी माउंटेन्स की ब्यूटी और इनोसेंस जो होती है माउंटेन के वहाँ पे, वो उससे बहुत इंस्पायर थे, और यही उनका रीज़न था व्हाई ही डिसाइडेड टू सेटल डाउन फर्स्ट इन देहरादून एंड लेटर इन लांडूर, दैट इज मसूरी ऑल्सो ये माउंटेन में है। बॉन्ड वीव्स हिज स्टोरी अराउंड द सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। छोटी छोटी सिंपल चीज़ों के ऊपर में उन्होंने अपनी स्टोरीज लिखी है। इन 2005 द इंडियन फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज अडप्टेड द ब्लू अम्ब्रेला इन टू ए फिल्म, और विशाल भारद्वाज ने
इस ब्लू अम्ब्रेला के ऊपर एक पिक्चर बनाई विच वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म इन 2007। अब हम इस पर रीड पे आते हैं। बिनाया सेल्डम क्लोज द ब्लू अम्ब्रेला। बिनाया जो अपना उसका अम्ब्रेला था वो शायद ही कभी बंद करती थी, हमेशा खुला ही रखती थी। इवन व्हेन शी हैड इट इन हाउस शी लेफ्ट इट लाइंग ओपन इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। जब भी वो घर में भी होती थी तब भी वो उसको कॉर्नर में खुला ही छोड़ देती थी, बंद नहीं करती थी। समटाइम्स बीजू स्नैप्ड इट शट, या कोई बीजू है वो कम समटाइम उसको बंद करके रख देती थी। कंप्लेनिंग दैट इट गॉट इन द वे, और बोलती थी कि भाई बोलती थी कि ये रास्ते में आता है इसलिए बंद करके रख देती हूँ। शी वुड ओपन इट अगेन ए लिटिल लेटर, इट वॉजंट ब्यूटीफुल व्हेन इट वॉज क्लोज। तो बिनाया उसको थोड़ी देर के बाद फिर से खोल देती थी क्योंकि उसको लगता था कि ये जो बंद रहता हुआ अच्छा नहीं लगता है, ब्यूटीफुल नहीं लगता है। वेन एवर बिनाया वेंट आउट वेदर इट वॉज टू ग्रेज द काउ और फैच वाटर फ्रॉम द स्प्रिंग, जब भी बिनाया बाहर जाती थी या तो वो गाय चराने के लिए या पानी लाने के लिए स्प्रिंग से, और कैरिंग मिल्क टू द लिटिल शॉप ऑन द तहरी रोड, और जब भी मिल्क लेके जाती थी ये टी शॉप के लिए तहरी रोड पे, शी टुक द अम्ब्रेला विथ हर, अपना अम्ब्रेला लेके जरूर जाती थी। द पैच ऑफ स्कूल स्काई ब्लू सिल्क वुड ऑलवेज बी सीन ऑन द हिल साइड, और हिल साइड में हमेशा जो आकाश जो था ब्लू दिखता हुआ था। ओल्ड राम भरोसा राम द ट्रस्टवर्दी कैप द टी शॉप ऑन द तहरी रोड, जो ओल्ड राम भरोसा जी थे उन्होंने एक टी शॉप खोली थी टहरी रोड पे। इट वॉज डस्टी अनमेल्टेड रोड, जो रोड जो था अनमेटल्ड रोड, डस्टी रोड था मतलब उसमें डामर चढ़ा हुआ नहीं था। वंस अ डे द टहरी बस स्टॉप नियर इज शॉप एंड पैसेंजर गॉट डाउन टू सिप ह�ॉट टी और ड्रिंक ग्लासेस ऑफ कर्ड, तो दिन में एक बार जो टहरी की जो बस थी वहाँ पे उसकी शॉप के पास में रुकती थी, पैसेंजर उतरते थे और हर गर्म चाय पीते थे या कर्ड का गिलास पीते थे, तो मैं भी छाछ और ये सब पीते होंगे। ही कैप कोल्ड ड्रिंक भी रखते थे, बट देर वॉज नो आइस द बॉटल गॉट हॉट इन द सन एंड सो वर सेल्डम ओपन, सो जब आइस नहीं रहती थी वो थोड़ा आउटर में था एरिया, सिटी के पास नहीं था तो आइस नहीं मिलती थी, तो वो कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाती थी और शायद ही कभी ओपन की गई थी। ही ऑल्सो कैप्ट स्वीट्स एंड टॉफी, एंड वैन बिनाय और बिजू हैड ए फ्यू कॉइन्स टू स्पेयर दे वुड स्पेंड देम एट द शॉप, तो वो स्वीट और टॉफ़ी भी रखते थे, तो बिनाय और बिजू जब भी उनके पास कॉइन्स रहते थे वो यहाँ आके खर्च करते थे। इट वॉज ओनली माइल फ्रॉम द विलेज, एक मील की दूरी पे ये शॉप थी उनके विलेज से। राम भरोसा वॉज एस्टोनिश टू सी बनाया ब्लू अम्ब्रेला, राम भरोसा ने जो अम्ब्रेला को देखा तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। वॉट हैव यू देयर बिनाया ही आस, उसने उससे पूछा क्या है। बिनाया गेव द अम्ब्रेला ए ट्विल, बिनाया ने अम्ब्रेला को इतराते हुए घुमाया हाथ में ऐसे ऐसे घुमाया, एंड स्माइल एट राम भरोसा, और राम भरोसा पे मुस्कुराई। शी वॉज ऑलवेज रेडी विथ हर स्माइल, वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, एंड वुड विलिंगली लैंड इट टू एनी वन हु वॉज फीलिंग अनहैप्पी, और जब भी कोई दिखता था कोई सैड है या दुखी है तो उनके उनके साथ उनके पास भी जाके मुस्कुराती थी। दैट्स लेडी अम्ब्रेला, ये लेडी का अम्ब्रेला है सैड राम भरोसा, दैट्स ओनली फॉर मैम साहब, ये खाली मैम साहब के लिए होता है। दैट्स ओनली फॉर मैम साहब, वेयर डिड यू गेट इट, तुमको कहाँ मिला। समवन गेव इट टू मी फॉर माई नेकलेस, किसी ने मेरे नेकलेस के बदले मेरे को दिया। यू एक्सचेंज इट फॉर योर लक्की नेकलेस, तुमने उसको एक्सचेंज कर दिया अपनी लक्की नेकलेस के लिए। बिना नॉट इट, बिना ने हाँ भरी, बट वॉट डू यू नीड इट फॉर, तुमको क्यों चाहिए ये। द सन इज इंट हॉट इनफ, सन जो है अभी इतना गर्मी नहीं है, इतनी धूप नहीं है, एंड इट इजेंट मीन फॉर द रेन, और ये रेन के लिए तो बना ही नहीं है। इट इज़ जस्ट ए प्रिटी थिंग्स फॉर रिच लेडीज टू प्ले विथ, खाली ये एक सुंदर सी चीज़ है अमीर औरतों के लिए तो खेलने के लिए। बिना नॉडेड एंड स्माइल अगेन, बिना ने हाँ भरी और अगेन स्माइल करी। नॉडेड मीन्स हाँ, मतलब गर्दन हिला के हाँ भरी। राम भरोसा वॉज क्वाइट राइट, राम भरोसा सही था,
It was just a beautiful plaything. And that was exactly why she had fallen in love with it. और वो खाली एक खेलने की चीज़ थी और इसलिए बिना ने वो बिना उसको प्यार करती थी या उसको अच्छा लगता था. I have an idea, said the shopkeeper. It is no use to you. ये तुम्हारे किसी काम की चीज़ की नहीं है. ओके हाँ, दैट अम्ब्रेला, वाई नॉट सेल इट टू मी, क्यों नहीं तुम इसको मुझे बेच देती हो. आई शेल गिव यू 5 rupees फॉर इट, मैं तुमको 5 rupees दूंगा इसके लिए. इट्स वर्थ 15, नहीं नहीं ये 5 नहीं 15 rupees के 15 rupees में आएगा, बोली बिनायत. वेल देन आई शेल मेक इट थिंग ईजी फॉर यू, आई विल गिव यू 10. ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमको 10 rupees में दे सकता हूँ, 10 rupees में आपको तुमको इसके लिए दे सकता हूँ. बिना लाफ एंड शुक हर हेड, बिनाया ने हंसी और उसने मना कर दिया. ओके आई शेल डू ए फेवर, 12 rupees, सेड राम भरोसा, बट विदाउट मच होप. राम भरोसा ने 12 rupees बोले थे बट उसको उम्मीद नहीं थी कि वो उसको देगी. बिनाया प्लेस ए 5 paisa कॉइन ऑन द काउंटर, बिनाया ने 5 paisa का कॉइन जो है उसको दिया. आई केम फॉर ए टॉफ़ी, मैं टॉफ़ी लेने आई हूँ. शीशा राम भरोसा पुल्ड एट इज ड्रॉपिंग विस्कर्स गेम बिनाया ए वेरी लुक एंड प्लेस ए टॉफ़ी इन द पाम ऑफ हैंड. राम भरोसा ने उसमें से एक टॉफ़ी निकाली और उसकी हथेली पे रख दी बिनाया की. ही वॉच बिनाया एज शी वॉक्ड अवे अलॉन्ग द डस्टी रोड, और बिनाया को देखता रहा. द ब्लू अम्ब्रेला हेल्ड हिम फैसिनेटेड एंड ही स्टेयर्ड आफ्टर इट अंटिल इट इज आउट ऑफ साइट. तो ब्लू अम्ब्रेला से वो बहुत इम्प्रेस हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था शॉपकीपर को, और वो जब तक उसको घूरता रहा जब तक वो वहाँ से चली नहीं गई. द विलेजर यूज दिस रोड टू गो टू द मार्केट टाउन, विलेजर इस रोड को मार्केट टाउन तक जाने के लिए यूज़ करते थे. सम यूज़ द बस, ए फ्यू रोड ऑन म्यूल्स, मोस्ट पीपल वॉक. कुछ लोग बस यूज़ करते थे, कुछ लोग घोड़ा या खच्चर यूज़ करते थे और काफ़ी लोग जो थे वॉकिंग करना पसंद करते थे. टुडे एवरी वन ऑन द रोड टर्न देयर हेड टू स्टेयर एट द गर्ल विद द ब्राइट ब्लू अम्ब्रेला. सब लोग मुड़ के बिनाया के ब्लू अम्ब्रेला को देख रहे थे, घूर रहे थे. बिनाया सैट डाउन इन द शेड ऑफ पाइन ट्री, एक पाइन ट्री की छाया में बैठ गई. द अम्ब्रेला स्टिल ओपन, अम्ब्रेला वहाँ पे ओपन ही था. ले बिसाइड हर, और अपने बगल में रख दिया था. शी क्रेडल हर हेड इन हर आर्म्स, उसने अपने हेड को अपनी आर्म्स के ऊपर में रख लिया. एंड प्रेजेंटली शी डॉज्ड अप, और धीरे से उसको नींद आ गई. इट वॉज दैट काइंड ऑफ डे, स्लीपली वार्म एंड समरीली. वो जो दिन जो था वो थोड़ा सुस्त आया हुआ और गर्म दिन था. एंड वाइल शी स्लेप्ट ए विंग स्प्रैंग अप, और जब वो सो रही थी और थोड़ी सी हवा चलने लगी. इट केम क्वाइटली स्विशिंग जेंटली थ्रू द ट्रीज, हमिंग सॉफ्टली, धीरे धीरे हवा चल रही थी. देन इट वॉज जॉइन बाई अदर रैंडम गस्ट, और थोड़ी थोड़ी में झोंके आने लगे. रशिंग ओवर द टॉप्स ऑफ द माउंटेन द ट्री शुक देयर हेड्स एंड केम टू लाइफ, और ट्री जो है हिलने लगे थे. द विंड फैंड बिनाया चीक्स, विंड जो थी बिनाया के चीक्स पे हवा कर रही थी. एंड द अम्ब्रेला स्टेड ऑन द ग्रास, और अम्ब्रेला ग्रास के ऊपर हिलने लगा. द विंड ग्रू स्ट्रॉन्गर, हवा तेज चलने लगी. पिकिंग अप डेड लीव्स, और जो गिरी हुई सूखी पत्तियाँ थी उसके साथ उड़ने लगी हवा के साथ. एंड सेंडिंग देम स्पिनिंग एंड स्विलिंग, और जो पत्तियाँ थी, जो सूखी पत्तियाँ थी, ऐसे ऐसे घूमने लगी, गोल गोल घूमने लगी थ्रू द एयर. इट गॉट इन टू द अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला में गई. एंड बिगेन टू ड्रैग इट ओवर द ग्रास, और अम्ब्रेला को ग्रास के ऊपर खींचने लगी. सडनली इट लिफ्टेड द अम्ब्रेला, और थोड़ी देर में उसने अम्ब्रेला को लिफ्ट कर लिया. एंड कैरीड इट अबाउट 6 feet फ्रॉम द स्लीपिंग गर्ल, और उस अम्ब्रेला को 6 feet के आसपास उस लड़की से बिनायक से दूर ले गई. द साउंड वेक या फ्रॉम द स्लीप सडनली या बिगन टू ड्रैग फ्रॉम द सडनली लिफ्टेड द अम्ब्रेला एंड कैरीड इट अबाउट 6 feet फ्रॉम द स्लीपिंग गर्ल. द साउंड वोक बिनाया, और जैसे ही वो हिला अम्ब्रेला, और उसने बिनाया जो है उसकी आवाज़ से उठ गई. शी वॉज ऑन हर फीट इमिडिएटली जी अपने पैरों पर खड़ी हो गई. एंड देन शी वॉज लीपिंग डाउन द स्टीप स्लोप, और वो
एकदम झपट्टा मार मार के नीचे स्लोप की तरफ भागने लगी। बट जस्ट एट शी वॉज विद इन द रीच ऑफ अम्ब्रेला, बट जैसे ही अम्ब्रेला के पास पहुंचने वाली थी, द विंड पिक्ड इट अप अगेन एंड कैरीड इट फर्दर डाउन हिल। विंड ने और उसको नीचे धकेल दिया। बिनाया सेट ऑफ इन परस्यूट, बिनाया ने उसका पीछा किया। द विंड वॉज विकेट प्लेफुल मूड, हवा जो थी शरारती प्लेफुल मूड में थी। इट वुड लीव द अम्ब्रेला अलोन फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, वो अम्ब्रेला को थोड़ी देर के लिए छोड़ देती थी, हवा जो थी अम्ब्रेला को थोड़ी देर के लिए छोड़ देती थी। बट एज सुन एज बिनाया केम नियर, इट वुड पिक अप द अम्ब्रेला अगेन। जैसे ही अम्ब्रेला बिनाया उसके पास आती, वो अम्ब्रेला को अगेन उठाती और अगेन बाउंस करती, फ्लोट कर देती, डांसिंग अवे फ्रॉम अर्थ, और उसे दूर ले जाती। द हिल ग्रू स्लीपर, जो हिल जो थी वो स्लीप स्टीपर हो रही थी। स्टीपर मतलब बहुत ज़्यादा उसमें स्लोप था। बिनाया न्यू दैट अबाउट आफ्टर 20 yards इट वुड फॉल अवे इन ए प्रेसिपाइस। बिनाया को पता था कि 20 yards के बाद में ये एक नीचे प्रेसिपाइस में गिर जाएगा। प्रेसिपाइस मीन्स वेरी स्टीप साइड ऑफ ए माउंटेन और ए क्लिफ, चोटी से नीचे गिर जाएगा। शी रन फास्टर, बहुत तेज भागी। एंड द विंड रैन विथ हर, विंड भी जो थी उसके साथ तेज चलने लगी। अहेड ऑफ हर, उसके आगे। एंड द ब्लू अम्ब्रेला स्टेड अप विद द विंड, और जो अम्ब्रेला था वो विंड के साथ जाता जा रहा था। ए फ्रेश गस्ट पिक इट अप एंड कैरीड इट टू द वेरी एज ऑफ द क्लिफ, और नई एक फ्रेश हवा आई और उसको एकदम एज क्लिफ के चोटी के एज तक ले गई। देयर इट बैलेंस फॉर ए फ्यू सेकेंड, वहाँ पे वो थोड़े देर के लिए रहा बिफोर टॉपलिंग ओवर आउट ऑफ साइड, और उसके बाद नीचे गिर गया। बिनाया रन टू द एज ऑफ क्लिफ गोइंग डाउन ऑन हर हैंड्स एंड नीज। फिर बिनाया जो थी वो चोटी से नीचे गई, गोइंग डाउन द हैंड्स एंड नीज, और अपने घुटनों के बल शी पियर डाउन द क्लिफ फेस, और क्लिफ फेस जो था, जो चोटी का जो फेस था, उस पर धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। अबाउट 100 feet बिलो ए स्मॉल स्ट्रीम रश्ड बिटवीन द ग्रेट बोल्डर्स, और करीब 100 feet नीचे ए स्मॉल छोटी सी धारा जो बहरी थी चट्टानों के बीच में से। हार्डली एनी 3 degrees बिलो, हार्डली एनी थी ग्रू ऑन द क्लिफ फेस, क्लिफ फेस के ऊपर में कुछ भी नहीं उगा हुआ था, कोई पेड़ पौधा नहीं था, जस्ट ए फ्यू स्टंटेड बुशेज, छोटी छोटी कुछ बुशेज थी। एंड हाफ वे डाउन ए वाइल्ड चेरी ट्री ग्रोइंग क्रुकेडली आउट ऑफ रॉक, और आधे रास्ते में एक वाइल्ड चेरी ट्री जो स्ट्रेट नहीं था, क्रुकेडली मतलब स्ट्रेट नहीं था, आउट ऑफ रॉक्स में से निकला हुआ था और हैंगिंग अक्रॉस द चर्स में। चर्स मतलब एक डीप क्रैक जो होता है उसको चर्स में बोलते हैं, तो उसमें वो एक चेरी ट्री उगा हुआ था जो स्ट्रेट नहीं था। द अम्ब्रेला हैड स्टक इन द चेरी ट्री, अम्ब्रेला जो था उस चेरी ट्री में अटक गया था। बिनाया डिडंट हेजिटेट, बिनाया बिल्कुल भी नहीं घबराई, और उसने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हुई इसको। एंड शी मे हैव बीन टिमिड विथ स्ट्रेंजर, बट शी वॉज एट होम ऑन ए हिल साइड, वो स्ट्रेंजर के साथ कंफर्टेबल नहीं रहती थी, उनके साथ कॉन्फिडेंस के साथ भले ही नहीं रहती थी, बट वो हिल को अपना एक घर मानती थी। शी स्टक हर बेयर लेग ओवर द एज ऑफ क्लिफ, उसने अपने जो बिना चप्पल के पैर थे वो एक क्लिफ में एज में फंसा दिए। एंड बिगेन क्लाइंबिंग डाउन, और नीचे उतरने लगी। शी कैप्ट हर फेस टू द हिल साइड, और अपना फेस जो है हिल के लगा के रखा। फीलिंग हर वे विथ हर फीट, और अपने पैरों से रास्ता खोज रही थी। ओनली चेंजिंग हर हैंड होल्ड व्हेन शी न्यू हर फीट वर सिक्योर, और देख रही थी जब हाथ तभी छोड़ती थी जब वो उसको लगता था कि पैर सही जगह जम गए हैं। Sometimes he held on the thorny bilberry bushes. और bilberry bushes में उसके जो thorny थे कांटों से भरे हुए थे। But she did not trust the other plants.
बट दूसरे प्लांट पे वो भरोसा नहीं करती थी, विच केम अवे वेरी इजीली, क्योंकि वो जड़ से उखड़ जाते थे। लूज स्टोन्स रंबल डाउन द क्लिफ, जो छोटे छोटे पत्थर होते थे लूज वाले, वो नीचे गिर रहे थे ऊपर से। वंस ऑन देयर वे द स्टोन डिड नॉट स्टॉप, एक बार जो पत्थर गिरना चालू होते हैं वो रुकते नहीं, अनटिल दे रीच द बॉटम ऑफ द हिल, जब तक कि वो एकदम नीचे तक नहीं पहुँच जाए। एंड दे टुक अदर स्टोन विद देम, और पत्थर गिरते हुए दूसरे स्टोन्स को भी अपने साथ ले लेते हैं। सो दैट देयर वॉज सून ए कैस्केड ऑफ स्टोन, और इसके साथ ही एक कैस्केड, मतलब बहुत सारे एक के बाद एक स्टोन्स गिरते ही रहते हैं। एंड बिना आई हैड टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू स्टार्ट ए लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड मतलब पूरा स्टोन और मिट्टी सब नीचे गिरने लगती है पहाड़ों से। तो बिना ने ध्यान रखा कि वो ऐसा कुछ लैंडस्लाइड नहीं चालू हो जाए। एज अजाइल एज ए माउंटेन गोट, तो एज अजाइल मतलब अजाइल मतलब एज एबल टू मूव क्विकली एज एज ए माउंटेन गोट, माउंटेन गोट जो होती है बहुत जल्दी जल्दी इधर से उधर भाग सकती है, वैसे ही बिनाया भी इधर से उधर जा रही थी। शी डिड नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स टू रीच द क्रुकड चेरी ट्रीज, खाली उसको 5 मिनट लगे उस जो चेरी ट्री था उस तक पहुँचने में। बट द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क रिमेंड, क्या टास्क था वो, दैट शी हैज़ टू क्रॉल अलोंग द ट्रंक ऑफ द ट्री, उसको ट्रंक के तने पे, उसको जो पेड़ के तने पे उसको क्रॉलिंग करके जाना था, सीधे खड़े होकर नहीं जा सकती थी। शी स्टूड आउट एट द राइट एंगल्स, विच स्टूड आउट एट द राइट एंगल फ्रॉम द क्लिफ, क्लिफ के साथ जो वो पेड़ जो था वो एकदम राइट एंगल पे था। वंस ओनली बाय डूइंग दिस शी कुड रीच द ट्रैप्ड अम्ब्रेला, ऐसे करके क्रॉलिंग करके ही वो अपने अम्ब्रेला जो फंस गया था वहाँ तक पहुँच सकती थी। बिना फेल्ट नो फियर वैन क्लाइंबिंग ट्री, बिना को बिल्कुल भी डर नहीं लगा क्लाइंब करने में ट्री पे। शी वॉज प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट शी कुड क्लाइंब देम एज वेल एज बिजू, उसको बड़ा इस पर अपना घमंड था कि मैं वो ट्री पर चढ़ सकती हूँ, जैसे वो बिजू चढ़ती है वैसे ही मैं भी चढ़ सकती हूँ। ग्रिपिंग द रफ चेरी बार्क, उसने अपने जो पैरों से विथ हर टोज, टोज जो मतलब पैरों के फीट के जो आगे की फिंगर्स होती हैं उनसे ग्रिप कर लिया वो चेरी, चेरी का जो तना था उसके बार्क की छाल से। एंड यूजिंग हर नी हर नीज एज लिवरेज, और अपने घुटनों से भी घुटनों को भी उसमें लगा के रखा था। शी क्राउल्ड अलोंग द ट्रंक, अलोंग द ट्रंक ऑफ द प्रोजेक्टिंग ट्रीज अंटिल शी वॉज ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ द अम्ब्रेला। शी नोटिस विद डिस्मे दैट द ब्लू क्लॉथ वॉज टॉर्न इन कपल ऑफ प्लेसेस, उसको बड़ा अनप्लीजेंट टाइप का सरप्राइज हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि ब्लू जो ब्लू क्लॉथ था वो कुछ जगह से टूट गया था, फट गया था। शी लुक डाउन एंड इट वॉज ओनली देन दैट शी फेल्ट अफ्रेड, और उसने नीचे देखा तभी उसको उस टाइम में डर लगा। शी वॉज राइट ओवर द चास, वो एक बहुत जड़ बहुत बड़ा जो क्रैक बना हुआ है ज़मीन के अंदर उसके एकदम ऊपर में थी वो। अबाउट शी वॉज राइट ओवर द चास बैलेंस प्रीकेरियसली मतलब डेंजरसली बैलेंस करके अबाउट 80 फीट अबाउट द बोल्डर स्ट्रॉन स्ट्रीम, और जो नीचे स्ट्रीम बह रहा था 80 फीट के नीचे में जो चट्टानों से बिखरा हुआ स्ट्रीम था। लुकिंग डाउन शी फेल्ट क्वाइट डिजी, जैसे उसने नीचे देखा उसको एकदम चक्कर सा आने लगा। और हैंड शूक, उसके हाथ हिलने लगे। एंड द ट्री शूक टू, और ट्री भी हिलने लगा। इफ़ शी स्लिप नाउ देर वॉज ओनली वन डायरेक्शन इन विच शी कुड फॉल डाउन इनटू द डेप्थ ऑफ डार्क एंड शेडो रिमाइन, और एक बार वो कहीं पे यहाँ पे स्लिप हुई तो खाली एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी, वो है नीचे की तरफ एकदम डार्क शेडो रिमाइन, जो एकदम जो गहरा एकदम जो क्रैक बना हुआ उसमें जाके गिरेगी। देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, एक ही चीज़ थी, कंसनट्रेट ऑन द पैच ऑफ ब्लू जस्ट ए कपल ऑफ फीट अवे फ्रॉम हर, खाली उसको जो ब्लू अम्ब्रेला है उसके ऊपर कंसनट्रेट करना जो जस्ट थोड़ी ही दूर पे है। शी डिड नॉट लुक डाउन और अप, उसने नीचे भी नहीं देखा और ऊपर भी नहीं देखा, बट स्ट्रेट देखा एंड विलिंग हर सेल्फ फॉरवर्ड, और आगे बढ़ी
शी मैनेज टू रीच द अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला के पास पहुंच गई। शी कुड नॉट क्रॉल बैक, वापस नहीं आ सकती थी क्रॉलिंग करके। विथ इट इन हैंड, जब वो हाथ में था वो क्रॉलिंग नहीं कर सकती थी। सो आफ्टर डिसलोजिंग इट, फिर उसने वहाँ से जो फंसा हुआ था वहाँ से निकाल दिया अम्ब्रेला को। फ्रॉम द फोर्क ब्रांच, जो ब्रांच थी उसमें फंसा हुआ था, इन विच इट वॉज स्टक, शी लेट इट फॉल, उसने उसको नीचे गिरने दिया। स्टिल ओपन, ओपन ही था, इन टू द रेवाइन बिलो, नीचे जो क्रैक बना हुआ था, नीचे जो झरना बह रहा था स्ट्रीम, उसमें जाने दिया। कुशन बाय द विंड, विंड के साथ में द अम्ब्रेला फ्लोटेड सीरियली डाउनवर्ड, अम्ब्रेला जो था विंड के साथ धीरे धीरे नीचे जाने लगा। लैंडेड इन द थिकेस्ट ऑफ नेटल्स, और जो नेटल्स बोलते हैं जो प्लांट होते हैं जिनके स्टिंगी हेयर होते हैं, कांटेदार प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं नेटल्स में, वहाँ जाके वो अम्ब्रेला गिर गया। बिना क्रॉल्ड बैक अलॉन्ग द ट्रंक ऑफ द चैरिटी, बिना जैसे गई थी क्रॉलिंग करके ट्रंक के ऊपर, वैसे ही पीछे आ गई। 20 मिनट्स लेटर शी इमर्ज, वो बाहर आई फ्रॉम द नेटल क्लम्प, जो क्लस्टर ऑफ ट्रीज जो था, क्लम्प मतलब क्लस्टर ऑफ ट्री जो था, एक ट्रीज का झुंड जो था, जो कांटेदार जो झुंड था पेड़ों का। हर प्रीसियस अम्ब्रेला, उसका कीमती अम्ब्रेला हेल्ड अफ्लोड, अभी भी उसके हाथ में खुला हुआ था। शी हैड नेटल स्टिंग्स ऑल ओवर लेग, उसके जो कांटे थे पेड़ों के, उसके कांटे उसके पैरों में लगे हुए थे। बट शी वॉज हार्डली अवेयर ऑफ दी स्मार्टिंग, बट उसको बिल्कुल पेन वेन कुछ नहीं हो रहा था। एंड शी वॉज एन इम्यून टू एज इम्यून टू नेटल्स एज बिजू वॉज टू बीज, बट उसको जो नेटल्स जो चुभ रहे थे उसकी उनकी उसको बिल्कुल भी नहीं लग रहा था चुभ रहे थे, क्योंकि जैसे कि बीजू को जब हनी बी खाती है तो उसको फील नहीं होता, ऐसे ही इसको भी फील नहीं हो रहा था, उसके नेटल्स के कांटे उसको भी नहीं फील हो रहे थे। तो ये एक चैप्टर था जो बिना ब्लू अम्ब्रेला का रस्किन बॉन्ड से, रस्किन बॉन्ड के नॉवल से लिया गया था। तो होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।